एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीकाहोलिक। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, हाय, माय नेम इज मनु सिंह। आई एम अ जयपुर बेस्ड मेकअप आर्टिस्ट एंड आई एम अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। और अगर आप मेरे चैनल पे बहुत पहले से हो तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद में आज यहाँ पे वीडियो डाल रही हूँ। एंड जो मैंने लास्ट टाइम्स वीडियो डाली थी जो कि मेकअप कोर्स से रिलेटेड थी, आपने उनको काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट करा। थैंक यू सो मच जो अभी अभी मेरे चैनल पे बने हुए हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं एंड कंटेंट को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, इसी को कंटिन्यू करते हुए आई थिंक कि मैं यहां पर आपको थोड़ी सी और हेल्प करूं। अगर आप अपनी मेकअप आर्टिस्ट्री की जर्नी में बिगनर हो या फिर आप भी फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, सो यस, ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, जिसमें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेरे फ्रीलांस मेकअप किट के बारे में। आपको अपना फ्रीलांस मेकअप किट कैसे बिल्ड करना होता है, क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं अपने पूरे किट के बारे में यहां पर एक्सप्लेन करने वाली हूं वन बाय वन करके। एंड गाइस, मैं यहां पर आपको एक चीज क्लियरली बोल देती हूं कि मैं यहां पर अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, किट के बारे में कोई शो ऑफ नहीं कर रही हूं। यहां पर आप भी इसको धीरे धीरे करके बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी 2 ईयर्स लगे हैं इसको बिल्ड करने में। मैं बस यहां पे इस वीडियो के थ्रू ये आपको हेल्प करना चाहती हूं कि अगर आप भी मेरी तरह किट बिल्ड करना चाहते हैं, फ्रीलांस मेकअप किट बिल्ड करना चाहते हैं, बिगनर हो, मेकअप एंथुसियास्ट हो, देन डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और इससे पहले भी आप देख चुके हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर देना हेल्पफुल रहे तो, एंड कमेंट करके अपने डाउट्स भी पूछ लेना। ओके गाइस, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कम्प्लीटली जितना भी मेरा मेकअप स्टफ है तो ये मैं रखती हूँ। वैसे स्टूडियो में रहता है तो मैं इसको अपनी वैनिटी में रखती हूँ। जब मेरे को फ्रीलांस पर्पज से यूज करना होता है तो मैं कुछ इस तरीके से बैग्स, ऑर्गेनाइजर्स और पाउचेस के अंदर अपने मेकअप स्टफ रखती हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा मेकअप किट के अंदर आता है वो है मेरा लग्जरी स्किन प्रैप किट, ठीक है। तो इसमें जितना भी है स्किन केयर से रिलेटेड, स्किन प्रैप से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स रहते हैं, चाहे इसमें मॉइस्चराइजर हो, चाहे फेस मिस्ट हो, चाहे सीरम हो, चाहे लिप मास्क हो, चाहे शीट मास्क हो, सबके सब इसके अंदर रहते हैं। वन बाय वन करके मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसके बाद में आ जाता है मेरा मेन मेकअप किट, फ्रीलांस मेकअप किट। इसको भी मैं एक बार ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसमें जैसे यहाँ पर मैं इस पार्ट को ओपन करती हूँ, ओपन करने के बाद में यहाँ पे मेरी होती है ब्रश बेल्ट, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से मैं अपने आई ब्रशेस को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, ठीक है। तो ये तो आ जाती है यहाँ पे ब्रश बेल्ट, ये रखना होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं इसको जब ओपन करती हूँ तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सारे के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो कि मैं इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। एंड देन इस वाले पार्ट के अंदर आ जाता है जितने भी मेकअप ब्रशेज होते हैं, जैसे इसमें मैं ओनली फेस ब्रशेज रखती हूँ, आई ब्रशेज नहीं रखती। इसमें मैं सारे फेस ब्रशेज रखती हूँ जो कि वेल क्लीन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे लिप लाइनर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेकअप का स्टफ। देन उसके बाद में आता है मेरा आईलैश किट। आईलैश किट का बॉक्स अलग रहता है, ठीक है। इसका मैं मेकअप पाउच अलग बना के रखती हूँ, जिसके अंदर फॉल्स आईलैशेस, उसके टूल्स एंड लेंसेज रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे फिर आता है एक स्मॉल बैग, ये भी वैनिटी बैग है जो कि मेटल का ही होता है, और इसके अंदर रहते हैं मेरे सारे आई शेडोज। इसका भी मैंने बहुत पहले रिव्यू बनाया था, आई गेस 3 ईयर्स अगो, तो जाकर के आप चेक कर सकते हो, लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो इसमें सारे आई शेडो प्रोडक्ट्स और आई प्रोडक्ट्स रहते हैं सारे, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आ जाता है लिपस्टिक पाउच। तो जितने भी लिपस्टिक्स होती हैं वो सब मेरे इस तरीके के पाउचेस के अंदर रहती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है लिपस्टिक्स को रखने का, लिप ग्लॉसेस और लिप लाइनर्स मेरी सब यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे पास जब मैं स्टूडियो में मेकअप करती हूँ तो कुछ इस तरीके के ब्रश होल्डर होता है। तो क्या होता है, जैसे मैंने इस ब्रश को फॉर एग्जाम्पल यूज कर लिया तो मैं इसको वापस से वहां पे नहीं रखती हूँ, मैं इसको अलग रख देती हूँ, ठीक है। सो दैट क्या होगा, मुझे क्लीन करना होगा तो मैं तुरंत यहाँ से क्लीन करके देन वहां पे ऑर्गेनाइज कर दूंगी वापस। गंदे ब्रश को मैं वापस से वैनिटी के अंदर, बॉक्स के अंदर नहीं रखती हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आता है मेरा स्किन प्रैप का किट। इसके अंदर मेरे जितने भी पार्टी क्लाइंट्स होते हैं और जो भी ब्राइडल क्लाइंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बना रखे हैं। किसी को बेसिक स्किन केयर है, किसी का लग्जरी स्किन केयर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ब्राइडल का कंसीडर करते हुए अपना स्किन प्रैप जो है वो यहाँ पे किट शो कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फैन ब्रश की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो क्विकली ड्राई हो जाए, ठीक है, और स्किन के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। फिर उसके बाद में क्लींजिंग वाइप्स आते हैं जो कि ऑब्वियसली स्किन को क्लींस करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पे आते हैं फेस शीट मास्क।
ठीक है, और यहाँ पे रेजर, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि ब्राइड के नीड है कि उसके थोड़े बहुत छोटे छोटे पीसी फज आ रहे हैं, छोटे छोटे हेयर्स हैं फेस पे, तो मैं इस तरीके से रेजर से, दिस इज फ्रॉम वेगा, लिंक मैं दे दूंगी इसका, ठीक है। एंड गाइज, जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं इन सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आपको कहीं पर भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक होंगे, तो डायरेक्ट आप वहां से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं दो तरीके के शीट मास्क, ये मैं पार्टी क्लाइंट्स के लिए रखती हूँ, दिस इज फॉर ब्राइडल्स, दिस इज फ्रॉम लक्सा डर्म न्यूयॉर्क का, ये डिटॉक्स बायोसेल्युलोज शीट मास्क है, दिस इज वेरी नाइस, स्किन को बहुत अच्छे तरीके से क्लींस भी कर देता है, सूथ भी कर देता है और प्लम्प भी कर देता है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा और ये 350 की प्राइस रेंज के अंदर आपको मिल जाता है। एंड दिस इज फ्रॉम नायका स्किन सीक्रेट, चलिए नायका के अंदर मैं दो शीट मास्क सबसे ज्यादा यूज करना प्रेफर करती हूँ, वन इज दिस, अगर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेटेड स्किन है, बहुत ज्यादा डल स्किन हो रही है, तो ये दोनों के दोनों शीट मास्क बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बात है मेकअप रिमूवर, दिस इज गार्नियर मिसेलर क्लींजिंग वाटर, एंड ये होता है वाटर इन ऑयल, दोनों ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं, अगर किसी को ऑयली स्किन है तो आई यूज दिस, अगर किसी के बहुत ज्यादा मेकअप ऑलरेडी हो रखा है एंड देन मुझे वापस रीडू करना है, तो मैं इस माइसेलर वाटर से क्लीन करती हूँ उनके फेस को, देन जितना भी मेकअप, जो भी बहुत ज्यादा जिद्दी और स्टर्बन मेकअप होता है, वो सब स्किन से हट जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है अपना रोज वाटर फेस मिस्ट, ये है लव अर्थ का रोज वाटर, जो कि मेड विथ रियल रोज पेटल्स, बहुत ही सही प्राइस रेंज के अंदर आपको मिलता है, स्किन को बहुत ज्यादा सूदिंग इफेक्ट देता है, विद दैट कोई भी इरिटेशन नहीं होगी, चाहे सेंसिटिव स्किन पर्सन है उस पर भी बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। फिर आता है ये मेकअप ब्रश रिमूवर किट, ये भी मैं इसी में ही रखती हूँ, ठीक है, इनकेस मुझे ब्रश को क्लींस करना हो तो। मैं आता है नेक्स्ट ये लॉरियल का रिवाइटर लिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड आई सीरम, तो बेसिकली ये जो है, जैसे किसी के पफी आईज होती हैं, स्लीपी ब्राइट होती हैं, तो अगर किसी के बहुत ज्यादा थकी हुई अंडर आई फील होती है मुझे, तो मैं कुछ इस तरीके से रोलर होते हैं इसमें, छोटे छोटे से ये रोलर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मसाज एंड कामिंग इफेक्ट देकर के देन उसको फिंगर से मसाज करती हूँ, फिर फेस सीरम। अब देखो, अगर मेरे को शीट मास्क लगाने की नीड नहीं होती है तो मैं सिंपल ये सीरम यूज कर लेती हूँ, दिस इज अगेन अ लॉरियल पेरिस का रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड, 1% हाइलुरोन सीरम है ये, ठीक है, एंड ये भी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइड्रेट करता है, अगर शीट मास्क लगाने की जरूरत नहीं है तो, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है कुछ इस तरीके का, ये तो सबको पता है, दिस इज ऑन द गो बेस्ट फॉर एवरी स्किन टाइप, दिस इज अ मैक प्रेप प्लस प्राइम फिक्स प्लस, दिस इज अ मेकअप फिक्सर नॉट अ सेटिंग स्प्रे, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है यहाँ पे मॉइस्चराइजर, सबसे ज्यादा बेस्ट मॉइस्चराइजर मुझे ये लगता है, चाहे ड्राई स्किन हो एंड समवेयर ऑयली स्किन पे भी वर्क करता है, क्वांटिटी कम ले लो तो, ठीक है। दिस इज बायोडर्मा एटोडर्म क्रीम अल्ट्रा नरिशमेंट, अब भाई अपन फाउंडेशन लगाते हैं, कंसीलर लगाते हैं, तो स्किन बहुत अच्छे तरीके से वेल प्रेप होनी चाहिए। मैं यहाँ पे जब भी ब्राइड के ऊपर फेस शीट मास्क लगा के छोड़ती हूँ, फिर उसके बाद में मैं ये लिप स्क्रब लगा देती हूँ, स्क्रब कर देती हूँ एंड देन क्लींस कर देती हूँ, तो जितनी भी लिप्स पे डेड स्किन होती है वो सब हट जाती है। दिस इज लैक्मे लिप लव लिप स्क्रब फॉर एक्सफोलिएशन एंड मॉइस्चराइजिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है जब यहाँ पे कंप्लीटली स्किन केयर हो गया एंड जब मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट करती हूँ, तो उस टाइम पे आई यूज दिस, ठीक है, 10-15 मिनट के लिए लगा के छोड़ देती हूँ। दिस इज एम कैफिन ग्रीन टी हाइड्रोजेल अंडर आई पैचेस, अपन ने सीरम तो लगाया ही लगाया है, ठीक है, अपन ने ये रोल ऑन तो यूज करा ही करा है, लेकिन समवेयर आई थिंक कि ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, अगर बहुत ज्यादा अंडर आईज डार्क है या फिर समवेयर बहुत ज्यादा पफी है, ठीक है, बहुत ज्यादा डल हो रखे हैं, मॉइस्चराइज नहीं है, ड्राई है, तब ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। उसी के साथ साथ में आई यूज दिस लिनेज का लिप स्लिपिंग मास्क, ये भी चाहो तो आप जब अपना स्किन प्रेप करने के बाद में आई मेकअप स्टार्ट करते हो या बेस मेकअप स्टार्ट करते हो, तब आप ये छोड़ सकते हो, या आपके लिपस्टिक लगाने के टाइम तक बिल्कुल अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज लगता है लिप्स को, ठीक है। फिर एडिशनल आई कीप दीज टू स्टफ्स, ये भी ब्राइडल्स के अंदर बहुत जरूरी है, दिस इज नंबिंग क्रीम, ठीक है, अगर किसी के भी कानों में इवेंट्स में भाई हैवी इयररिंग्स पहनते पहनते बहुत ज्यादा कानों में दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में आई यूज दिस, दिस इज लॉक्स 2% जेली नंबिंग क्रीम है, कानों में लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे यूज करती हूँ आई कूल, अगर किसी के बहुत ज्यादा थकी हुई आईज हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं, बहुत स्लीपी फील कर रहे हैं ना, तो जब आप ब्राइट के शीट मास्क लगा के छोड़ो, तो उस टाइम पे ये डाल दो, तो उनको 10-15 मिनट के लिए बोलो कि आप अपनी आंखें क्लोज करके रखो, तो उनको इतना रिलैक्स एंड कामिंग फील
फील होता है, उनकी आंखें बिल्कुल काम हो जाती है। एंड दिस इज अगेन अ एडिशनल पार्ट, ये इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर है, कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैं बॉडी के लिए यूज कर सकती हूँ, ठीक है। फाउंडेशन में मैं हल्का सा इल्यूमिनेटिंग, किसी को ग्लो चाहिए होता है लाइक शोल्डर रीजन पे या फिर चेस्ट रीजन पे, हैंड्स पे ग्लो चाहिए होता है, तो मैं फाउंडेशन के साथ ये मिक्स करके हल्का सा उनकी बॉडी पे कर देती हूँ। तो दिस इज कम्प्लीटली माई स्किन प्रेप किट एंड ये बहुत ही बेनिफिशियल तरीके से वर्क करता है एंड आई रियली लाइक दिस किट, ठीक है। बिकॉज ये ना समवेयर आपकी सारी नीड्स इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। तो आपको एडिशनल कुछ भी नहीं रखना होता है एंड बहुत ही अच्छे तरीके से वेल पैक करके आप इसके अंदर रख सकते हो, इधर उधर प्रोडक्ट नहीं रहेंगे आपके इन पाउचेस के अंदर, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहता है अपने मेकअप प्रोडक्ट्स को रख। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू मेन किट, जिसके अंदर सारे के सारे मेकअप प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है, सारे बेस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बेस प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सारे फेस ब्रशेज आ गए, ठीक है। एज यू कैन सी फेस ब्रशेज के बारे में भी आई विल एक्सप्लेन लेटर, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रखती हूँ सबसे पहले स्किन प्रेप से रिलेटेड प्रोडक्ट, जैसे कि मॉइस्चराइजर मैंने यहाँ पे भी रख रखा है, इनकेस मुझे नीड लगे तो मैं वापस से यूज कर सकती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है सेटिंग स्प्रे, ठीक है। दिस इज फ्रॉम पैक माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर, ठीक है। तो ये मेकअप फिक्सर प्लस सेटिंग स्प्रे की तरह भी काम करता है, मेकअप को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर देता है। फिर उसके बाद में आ जाता है प्राइमर, दिस इज कलरबार फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर है, तब आप यूज कर सकते हैं। अगेन आई हैव दिस पैक का पोर प्राइमर फ्लॉलेस फिनिश, ये स्किन को बहुत अच्छे तरीके से सूथ करता है, प्रेप करता है एंड मुझे, मैं ये तब यूज करती हूँ जब मुझे लगे कि क्लाइंट्स के काफी ज्यादा ओपन पोर्स हैं, ठीक है। एंड एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ओपन पोर्स होते हैं तब भी इसको यूज कर सकते हैं, पूरे फेस पे मुझे प्राइमर लगाने की नीड नहीं लगती है तो मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है। एंड मेरे पास में ये भी है एक एडिशनल पार्ट जो कि है के ब्यूटी का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ड्रॉप, जो कि गोल्डन ट्विस्ट शेड के अंदर है। ये मैं रेयरली यूज करती हूँ, मुझे बहुत नीड लगती है कि भाई क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा ग्लोई स्किन चाहिए ना, तो मैं यूज करती हूँ, ठीक है। एंड समवेयर मेरा है ना इसके साथ में एक्सपीरियंस एज सच इतना अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि ये फाउंडेशन को है ना पील ऑफ करने लग जाता है, मेरे को ऐसा फील होता है। बट इसको बेस्ट तरीका यूज करने का ये है कि आप लगाने के बाद में अच्छे से ड्राई होने दो और मसाज करो अच्छे से। सीरम को अगर आप मसाज नहीं करोगे, स्किन के ऊपर ही छोड़ दोगे ना, तो आपका फाउंडेशन डेफिनेटली पील ऑफ होगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में आता है सेटिंग स्प्रे, जो मैं इसी में ही रखती हूँ। दिस इज अ निक्स प्रोफेशनल का रेडियंट वर्जन भी है मेरे पास में और मेरे पास मैट वर्जन भी है। फिर यहाँ पे मैं एक और प्रोडक्ट रखती हूँ, दिस इज अ निक्स प्रोफेशनल का आई बेस, ठीक है। ये आई बेस है, काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है एंड दिस इज इन द शेड ESB03, ठीक है। ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है, ये बेस जो प्रोवाइड करता है बहुत हैवी नहीं प्रोवाइड करता है, समवेयर इवन भी कर देता है और बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं कराता। ओके, सो ये वाला जो सेक्शन आता है ये कम्प्लीटली मेरे बेस प्रोडक्ट के लिए होता है, ठीक है। इसके अंदर जिसमें सारे कॉटन पैड्स या फिर जो क्यू टिप्स होती है, आई विल यू कीप लाइक दिस, ठीक है। और ये जो मेरे को किट में जब अपना वर्क स्टेशन जब मैं रेडी करती हूँ तब मैं इसको बाहर निकाल के रख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पे सारे कंसीलर्स, जिसमें मैं टू फेस्ड का बॉन्ड दिस वे मल्टी यूज स्कल्पटिंग कंसीलर यूज कर सकती हूँ एंड इसमें लाइट एंड डार्क शेड दोनों है, ठीक है। तो ये हर तरीके से वर्क करता है। फिर उसके बाद में अ करेक्टर विच इज अ एलिगल प्रो कंसील का हाई डेफिनेशन कंसीलर ऑरेंज शेड के अंदर, किसी का बहुत ज्यादा डीप स्किन होता है या फिर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स होते हैं, आई यूज दिस, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं ये तीन कंसीलर शेड्स, दिस इज 312, 314 एंड 317, तीनों शेड्स मैंने रख रखे हैं, तीनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। ये भी मोस्टली मैं आई बेस के लिए यूज कर लेती हूँ। फिर उसके बाद में अगेन आई हैव दिस एलिगल का प्रो कंसीलर इन द शेड मीडियम बेज, ठीक है। तो डिपेंड करता है मुझे किस कंसीलर की नीड पड़ रही है एंड ये स्विस ब्यूटी का बहुत ही रेयरली यूज करा है मैंने अभी तक इसको, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में ये दो शेड्स पड़े थे एंड अगर मुझे कभी भी बहुत ज्यादा लाइटर शेड की जरूरत पड़ रही है आई बेस के लिए या फिर कंसीलिंग के लिए, तो ये बहुत अच्छा तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एंड इनको मैं ब्राइडल में यूज नहीं करती हूँ, आई यूज दिस फॉर जस्ट पार्टी। फिर उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग, यार ये तो आपकी मेकअप आर्टिस्ट किट में होना ही होना चाहिए, लिटरली बता रही हूँ, दिस वर्क्स वेरी नाइस, है ना। ये है मेकअप डेली लाइफ फॉरएवर 52 का कॉमोफ्लेज HD पैलेट, जिसके अंदर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स मिल जाते हैं। एज यू कैन सी सारे कंसीलिंग शेड कलर करेक्टिंग शेड्स भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, थोड़ा सा इधर उधर हो रखा है ये, बट ओके ये मैसी रहे चलेगा, ठीक।
ओके तो ये चीज मैंने नहीं बताई थी, ये भी मैं यूज कर लेती हूँ पहले. अगर मुझे लगता है कि नहीं सीरम वर्क नहीं कर रहा तो आई यूज दिस हेलो ग्लो, एल्फ का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर इन द शेड लाइट मीडियम, एंड ये बहुत अच्छा वर्क करता है, लिटरली बता रही हूँ. एंड ये मैं फेयर टू मीडियम स्किन पे ही वर्क करती हूँ, ठीक है. ये मेरे पास क्योंकि अभी एक ही शेड है, आई विल बाय अनदर शेड जो कि मीडियम टू डीप स्किन के लिए वर्क करे, बट मेरे पास मेनली फेयर टू मीडियम स्किन आती है तो ये काफी अच्छे तरीके से वर्क कर जाता है. फिर उसके बाद में आई हैव दिस फाउंडेशन एस्टी लॉडर का डबल वी एस स्टेन प्लेस मेकअप फाउंडेशन, SPF 10 है, तो मैं इसको डे टाइम पे प्रिफर करती हूँ यूज करना, एंड रात को मैं कभी कभार ही यूज कर सकती हूँ, नॉट ऑल द टाइम, क्योंकि जितने भी फाउंडेशन के अंदर SPF आते हैं ना वो फ्लैश बैक देते हैं कैमरे में, ठीक है. फिर उसके बाद में आता है दिस इज अ टू फेस बॉन्ड दिस वे, बहुत ही अच्छा ये ओरिजिनल शेड के अंदर मीडियम टू फुल कवरेज फाउंडेशन है, एंड दिस इज अ वेरी नाइस. मेरे पास अभी एक ही शेड है इसका विच इज अ सैंड, जिसमें मैं थोड़ा सा मिक्स करके अपने अकॉर्डिंग शेड बना लेती हूँ, जैसे कि मैं मिक्स करती हूँ इसमें, ठीक है. तो दिस इज अ वाइट फाउंडेशन एलेगल का प्रो कवरेज, आपके पास में ये होना ही होना चाहिए. डार्क फाउंडेशन है तो आप इसको आराम से अपने लाइटर शेड में कन्वर्ट कर सकती हो, ठीक है. दिस इज HD हाई डेफिनेशन लॉन्ग वेयर इल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन, बट ये सब के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है. फिर उसके बाद में आ जाते हैं मैक के फाउंडेशन, जो कि मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है टू शेड्स में. वन शेड इज ये है मैक का स्टूडियो फिक्स फ्लूड SPF 15, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, एंड मेरे पास में इसमें टू शेड है, एक है NC 15 और एक है NC 42, तो ये डार्क स्किन और ये लाइट स्किन मिक्स करके आई कैन यूज, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है ये. फिर उसके बाद में आ जाता है थर्ड फाउंडेशन, दिस इज अ मिलानी का कंसील प्लस परफेक्ट 2-in-1 फाउंडेशन प्लस कंसील, ठीक है. तो ये मैं यूज करती हूँ मोस्टली पार्टी क्लाइंट्स पे, ठीक है, और ये पार्टी क्लाइंट्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, नो डाउट, बहुत अच्छा फाउंडेशन है और ये हल्का सा ऑक्सीडाइज भी होता है, तो उस अकॉर्डिंग मैं वर्क करती हूँ, ठीक है. चलो यहाँ पे नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है ये वाला फाउंडेशन, जो कि मेरे पास में बहुत ही अच्छे तरीके से क्वांटिटी के अंदर यहाँ पे अवेलेबल है. तो मेरे पास में है अगेन ये टू फाउंडेशन फॉरएवर 52 के, तो इनको मैं फेस पे यूज नहीं करती हूँ, इनको मैं बॉडी के लिए यूज करती हूँ, ठीक है, बिकॉज ये फेस पे इतना अच्छे तरीके से नहीं स्टे करते हैं एंड प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं करते हैं समवेयर आई रियलाइज, तो मैंने इनको बॉडी पे यूज करना चालू करा. तो यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन आते हैं ये टू, जिसके अंदर फेस पाउडर्स, हाइलाइटर्स, ब्लशेज, कॉन्टोर, ब्रॉन्जर सब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है. तो ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे इसमें रहते हैं जितने भी मेकअप स्पॉन्जेस होते हैं, पाउडर पफ्स होते हैं, ये सब इसके अंदर मैं रखती हूँ, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन एंड हाइजेनिक रहते हैं इसमें रखने से, ठीक है. तो फेस पाउडर्स में आई हैव टू कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है, दो शेड्स के अंदर मेरे पास में अवेलेबल है, विच इज़ अ NC 25 और एक है NC 41, दोनों के दोनों मिक्स एंड मैच करके मैं यूज़ कर लेती हूँ आराम से. अगेन आई हैव अ ट्रांसल्यूसेंट पाउडर फ्रॉम अ लॉरा मर्सिया, ये बहुत अच्छा सा वर्क करता है. अगर किसी के ना बहुत ज़्यादा फाइन लाइन्स हैं, ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, इससे सेट करना है, तो क्या होगा, ये अच्छे से सेटल डाउन करेगा, मेल्ट कर जाता है प्रॉपर तरीके से, एंड बहुत अच्छे तरीके से अंडर आईज पे सेटल डाउन करता है, फेस पे बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग लास्टिंग कर देता है बेस को. फिर उसके बाद में आई यूज विथ कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है. तो कॉम्पैक्ट पाउडर तो क्या है, सेट भी कर रहा है प्लस कवरेज भी दे रहा है, ये कवरेज नहीं देता, ये ओनली सेट करने में यूज करता है. आई यूज दिस लॉरा मर्सिया का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, बहुत परफेक्टली तरीके से वर्क करता है. नेक्स्ट आई हैव के ब्यूटी का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर, ये भी वर्क करता है पार्टी मेकअप क्लाइंट्स के लिए, आई यूज दिस. के बाद में टू हाइलाइटर्स आई हैव राइट नाउ, एक है ये मास्टर क्रोम का, काफी टाइम हो गया है मुझे इसको यूज करते हुए, काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है, एंड दिस इज वर्सटाइल, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो हर शेड पे काम करता है. दिस इज अ ह्यूडा ब्यूटी का मीडियम ग्लो ऑब्सेशन मिनी फेस पैलेट, हाइलाइटिंग पैलेट है, ये काफी अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है. इसमें आपको चार शेड मिल जाएंगे आराम से, एज यू कैन सी आराम से आपको इसमें चार शेड मिल जाते हैं, तो ये हर क्लाइंट के ऊपर काम कर जाता है, डीप स्किन है, थोड़ा सा कूलर टोन है, थोड़ा सा वार्म टोन है, तो ये हर तरीके से वर्क करता है, एंड आई रियली लाइक दिस. नेक्स्ट उसके बाद में आता है ये वाला सेक्शन, जिसके अंदर सारे के सारे मेरे पास में लिक्विड ब्लशेस, ठीक है. तो पहले बात तो मेरे पास में जो क्रीम ब्लशेस हैं वो एक तो ये है लव अर्थ का मल्टीपॉड लिप एंड चीक टिंट, बहुत रेयरली यूज करा है मैंने, बट इसको समवेयर में कभी कभी यूज कर लेती हूँ, जैसे कि कोई बेबी क्लाइंट्स होते हैं ना तो उनके लिए मैं ये यूज कर लेती हूँ, नेचुरल है, हल्का सा टेंट इफेक्ट देना है, तो आई यूज दिस, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे आता है दिस O2O का लिक्विड ब्लश, ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है, आई रियली लाइक दिस वन, ठीक है. ये इतनी अच्छी तरीके से ब्लेंड करता है, पिगमेंट बहुत अच्छी देता है, क्वांटिटी ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड ये बहुत परफेक्टली तरीके से वर्क करता है. मेरे पास इसका जो शेड है दिस इज अ
पिंक वर्जन, मैं इसका शेड का नेम डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद में अगेन आई यूज दिस, दिस इज मेकअप रिवोल्यूशन सुपर ड्यूई लिक्विड ब्लश, ये भी काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है एंड आई रियली लाइक दिस वन, ठीक है। ये जो है यू गॉट मी ब्लशिंग इन द शेड, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से पिगमेंटेड ब्लश है ये वाला, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस लिक्विड ब्लश की तरफ भी जा सकते हैं एंड आई हैव अनदर वन विच इज फ्रॉम अ प्रॉश ब्यूटी, ठीक है। एंड प्रॉश ब्यूटी के ये दो ब्लश है, स्वीट चिंक, स्वीट चीक है ना, इन इस वर्जन के अंदर आते हैं और मेरे पास में इसके दो शेड्स अवेलेबल है एंड ये गाइस इतना पिगमेंटेड ब्लशेज हैं। अगर आप बिगनर हो और आपको बहुत ज़्यादा हैवी और हाई एंड लिक्विड ब्लश में नहीं जाना है देन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। एक हाईलाइटर मेरे पास में ये भी है, आई रियली यूज दिस, ठीक है, दिस इज गोल्ड ग्लोरी एंड गाइज ये शुगर का भले ही है बट ये इतने अच्छे तरीके से वर्क करता है एंड समवेयर मुझे इसका ड्यू फील होता है, जो कि स्मैश बॉक्स का बैका हाईलाइटर है ना, उसका ये समवेयर ड्यूप बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ब्रॉन्जर, ब्रॉन्जर में आई यूज दिस हुला, मैं बड़ा पैकेज नहीं खरीदती इसका क्योंकि फिर वैनिटी में रखने में भी दिक्कत होती है, तो आई यूज दिस, बहुत लंबा चलता है ये भी, ऐसी बात नहीं है, छोटा है, मिनी है तो लंबा नहीं चलेगा एंड आई रियली लाइक दिस हुला ब्रॉन्जर, सबको पता है दिस इज वेरी नाइस एंड वर्सेटाइल प्रोडक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है, ये आई के लिए भी यूज कर सकते हो, फेस ब्लश एज ए ब्लश भी यूज हो जाता है, हल्का सा ब्रॉन्जी इफेक्ट चाहिए ना ब्लश में तो ये वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में दिस इज फॉर वेरी लाइट स्किन पर्सन, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क स्किन पर्सन पे, मीडियम स्किन पर्सन पे वर्क नहीं करता है, फेयर वेरी फेयर स्किन पर्सन पे ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है एंड बहुत अच्छे से पिगमेंटेड है, भले ही लाइट शेड है बट दिस इज वेरी नाइस पिगमेंटेड। आ जाता है आई हैव दिस ब्रॉन्जर एज वेल, ठीक है, दिस इज अ मेकअप रिवोल्यूशन का सुपर ब्रॉन्जर पाउडर, ये मैं यूज कर सकती हूँ मीडियम टू डीप स्किन पर्सन के लिए बिकॉज हुला ब्रॉन्जर जो होता है डीप स्किन पे इतने अच्छे तरीके से हिनांस होके नहीं आता है बट ये बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में आता है ये वाला सेक्शन, तो इसमें मैं अपना आईलैश कलर रख लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर काफी सेफ रहता है, टूटने के चांसेस नहीं रहते हैं एंड आई हैव टू मस्कारास, ठीक है, मैं ओनली टू मस्कारास रखती हूँ, अफोर्डेबल रेंज में रखती हूँ, ड्रग स्टोर में ही रखती हूँ क्योंकि इनको मुझे हर 5 या 6 महीने में चेंज करना होता है, ठीक है। एंड ये है मेबलिन का दी फॉल्सीज लैश लिफ्ट वाटरप्रूफ मस्कारा एंड आई रियली लाइक दिस वन गाइस, बाय दिस वन, ये बहुत अच्छा है एंड अगेन दिस वन इज वेरी नाइस, दिस इज अ मेबलिन लेस सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा। ये दो मस्कारा मेबलिन के ऑलमोस्ट सारे मस्कारे मैंने ट्राई करे हुए हैं एंड ये दो तो मस्ट है, इतने अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, वेरी लॉन्ग लास्टिंग, चाहे क्लाइंट अगले दिन तक अपना आई मेकअप रख ले कहीं नहीं जाएगा मस्कारा, शेड ऑफ नहीं होता है, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ मेरे आई प्रोडक्ट्स, आईब्रो प्रोडक्ट्स में आई यूज दिस पैक का आईब्रो डिफाइनर पैलेट, 4 शेड्स आ जाते हैं इसके अंदर आराम से, लाइट टू डार्कर शेड, ब्लैक, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड लाइटेस्ट ब्राउन, ठीक है, तो 4 शेड्स यहाँ पे मिल जाते हैं, तो आईब्रो करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। व्हेनेवर आई यूज दिस आईब्रो पैलेट ना, उससे पहले मैं अपनी आईब्रोज को बेस देती हूँ इसके साथ में, दिस इज अ पैक का सुपर ब्रो क्रीम ब्रूनेट शेड के अंदर, दिस इज अ लाइट शेड, जितने भी अपने स्पार्स एरिया होते हैं ना आईब्रोज के उससे मैं पहले इसको बेस देती हूँ फिर उसके बाद में मैं अपना ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आईब्रोज को सेट करने के लिए, दिस इज अ शुगर का ब्रो फिक्सर, ठीक है, अच्छा काम करता है, मतलब ओके काम करता है, ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है, समवेयर यू कैन यूज दिस, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट आई हैव दिस इनग्लॉट का आईलाइनर, ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करता है एंड आई रियली लाइक दिस आईलाइनर, बहुत लंबे टाइम से मैं इसको यूज कर रही हूँ एंड डेफिनेटली दिस वर्क्स वेरी नाइस, ठीक है। एंड मैं क्या करती हूँ इसमें आई हैव टू यूज अ मिक्सिंग लिक्विड, येस गाइज ये बिना मिक्सिंग लिक्विड्स के आप यूज नहीं कर सकते हो इनको, ठीक है, तो मैं ये वाला मिक्सिंग लिक्विड अभी यूज कर रही हूँ, दिस इज C2P का ड्यूरा 1 मिक्सिंग सॉल्यूशन, इनग्लॉट का भी आता है बट दैट्स वन इज प्राइजी, तो ये भी मुझे समवेयर अच्छा वर्क करता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसको यूज करते हुए। तो गाइज एज यू कैन सी कि मेरे इस किट के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे बेस प्रोडक्ट आ जाते हैं, ठीक है, मुझे एक्स्ट्रा इसके अलावा और भी कुछ यूज करने की जरूरत पड़ती नहीं है बिकॉज इसमें मेरा काम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट फेस ब्रशेस की तरफ, जिसमें मेरे पास में ऑल द टाइप फेस ब्रशेस हैं जो कि 1 to 2 क्लाइंट्स में आराम से वर्क कर जाते हैं एंड देन मैं अपने जितना भी इंस्टेंट ब्रश क्लीनर है उससे क्लीन कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑल द टाइम अपन डीप क्लीन नहीं कर सकते क्योंकि ब्रशेस की क्वालिटी फिर उससे काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है, ठीक है। तो जब मुझे लगता है कि हाँ भाई अब मेरे को लग रहा है कि 1 हफ्ता हो गया 2 हफ्ता हो गया तब मैं यूज कर लेके डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। सो गाइस इस सेक्शन में आप देखेंगे इसमें मेरी आ जाती है मेकअप मिक्सिंग प्लेट, ठीक है,
जिसमें मैं अपने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको मैं जब मिक्स करती हूँ तो मेरे को ये प्लेट यूज़ करनी होती है ऑल द टाइम, कभी हैंड के पीछे नहीं करती मैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जितने भी लिप लाइनर्स आप देख रहे हैं दीज आर फ्रॉम पैक, ठीक है, ये सब पैक के हैं। उनका 10 या 12 लिप लाइनर्स का सेट था वॉल्ट करके, ठीक है, तो मैंने ये बाय करा था। इसमें मेरे सारे शेड्स आ जाते हैं, रेड, पिंक्स, वाइन, न्यूड शेड्स सारे आ जाते हैं। अगेन आई हैव दिस शैम्बोर का, दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस एंड आई रियली लाइक दिस शेड, ठीक है। दिस इज़ अ शैम्बोर का डार्क ब्राउन शेड, दिस इज़ वेलवेट टच लिप लाइनर। अभी मैंने यही अप्लाई कर रखा है और ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। एंड इन अ न्यूड वर्जन आई हैव दिस के ब्यूटी का वेरी नाइस शेड, ये है अनलीश, वर्क करते हैं। सबके सब लिप लाइनर्स आर रियली नाइस, पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्ट है, बिल्कुल भी ब्लीड ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, तो ये तो हो गया इस बैग का मेन वर्क। अब इसके ऊपर सेक्शन जो था ना, ऊपर वाले सेक्शन में मेरे पास में जो अवेलेबल थी ये बेल्ट, ठीक है। एज यू कैन सी ये बेल्ट काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। इसमें इस एरिया में मैं अपनी मेकअप क्लिप्स रख लेती हूँ, फ्रंट सेक्शन में अगर बाल आ रहे होते हैं, ठीक है, हेड सेक्शन में बाल आ रहे होते हैं तो आई यूज़ दीज क्लिप, ठीक है। एंड ये मिनी मिनी ब्रशेज हैं जो कि काम आते हैं, जैसे कि मैं जब सेट करती हूँ आईब्रोज को, ठीक है, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ये मैं लोअर लैश के लिए यूज़ कर लेती हूँ, छोटा स्पूली। एंड फिर ये आते हैं सारे के सारे इसमें ब्रशेज, ठीक है। इसमें स्पैचुला भी इसी में रख लेती हूँ, आईब्रो से रिलेटेड जितने भी फ्लफी ब्रश, कंसीलिंग ब्रश, ठीक है, एंड जितने भी फ्लैट ब्रशेज, स्मजिंग ब्रश, लिप ब्रश, सब के सब मेरे इसके अंदर आराम से कॉम्पैक्टली तरीके से आ जाते हैं। एंड जैसे जैसे मैं इनको यूज़ करती जाती हूँ, वापस से नहीं रखती हूँ मैं इसमें, यूज़ करा एंड देन उसको अगेन होल्डर के अंदर रखा एंड देन क्लीन करके वापस इसके। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि ये स्मॉल वैनिटी बॉक्स मैंने आपको दिखाया था ना, ठीक है। गाइज, आप अपने आई शेडोज रखने के लिए, एंड पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ, फ्रीलांसिंग करियर के अंदर आपको कभी भी बड़े मेकअप पैलेट नहीं लेने हैं, कभी भी बड़े बड़े आई शेडो पैलेट्स नहीं लेने हैं, क्योंकि इस तरीके से कॉम्पैक्टली तरीके से आप उनको पैक नहीं कर पाएंगे और आपको उनको ट्रॉली में अलग से कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, इस वाले बैग के अंदर आई हैव ऑल ऑफ माय आई शेडोज, यू कैन सी जैकलिन हिल का साइज का जो पैलेट है ना, आराम से इसमें आ जाएगा, नो डाउट, ठीक है। तो मेरे पास में दोनों के दोनों जैकलिन हिल के ये आई शेडोज अवेलेबल हैं, जो कि मुझे समवेयर फिट करने पड़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यू कैन सी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 दोनों अवेलेबल है, तो दिस इज अ वॉल्यूम 1 एंड आई रियली लाइक दिस। इसके अंदर सारे न्यूड्स, ग्रीन्स, ब्राउन्स सबके सब इसमें आ जाते हैं, अच्छे खासे शिमर शेड्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यू कैन सी दिस इज अ वॉल्यूम 2। अगर आप बड़े आई शेडो पैलेट्स अपने पास में रख सकते हैं, डेफिनेटली आपको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इससे बड़े साइज में मत जाना, क्योंकि उनको ट्रैवल में यूज करना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आ गए मेरे पास में दो आई शेडो पैलेट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ पैलेट्स यहाँ पे आएंगे। फर्स्ट आई हैव दिस फॉरएवर 52 का वेरी नाइस पैलेट, जिसके अंदर आपको थोड़े से ब्राइट कलर मिलेंगे, हल्के से न्यूड्स हैं, शिमर्स हैं, गोल्डन शिमर्स, शैम्पियन शिमर्स को जिस तरीके के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ब्रॉन्जी, बहुत अच्छे इसमें शिमर शेड्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं ह्यूडा ब्यूटी के पैलेट, जिसमें मेरे पास में अवेलेबल है अभी ये रोज क्वार्ट्ज का ह्यूडा ब्यूटी, इसको मैंने काफ़ी टाइम पहले खरीद लिया था एंड दिस इज़ अ वेरी नाइस। इसके अंदर आपको सारे पेस्टल शेड्स मिलते हैं, जो कि मोस्टली वर्क करते हैं या तो संगीत रेडी या फिर एप्शन रेडी, ठीक है, बहुत प्रॉपरली तरीके से इसमें शेड वर्क करते हैं। ये नॉटी न्यूड आई ह्यूडा ब्यूटी का नॉटी न्यूड मेरे पास अवेलेबल है, दिस इज अ मोस्ट वर्सेटाइल आई शेडो पैलेट, कोई नहीं खरीद सकते, तो एटलीस्ट ये पैलेट आपके पास में होना चाहिए। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे दीदी एक ही बता दो, तो यस डेफिनेटली यू कैन बाय दिस वन, ठीक है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सारे ब्राउन्स हैं, सारे पिंक्स हैं, बहुत प्रॉपरली तरीके से वर्क करता है एंड आई रियली लाइक दिस वन, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट ह्यूडा ब्यूटी का ही मेरे पास में ये अवेलेबल है, दिस इज एम्पावर्ड ह्यूडा ब्यूटी, ये अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था। एज यू कैन सी दिस इज अ वेरी नाइस, ठीक है, इसके अंदर आपको सारे ब्राउन्स, गोल्डन्स, न्यूड, ब्लैक बहुत परफेक्टली मिलेंगे, इसमें ब्रॉन्जी शेड्स भी बहुत सुंदर है। फिर उसके बाद में है दिस वन रिवोल्यूशन, गाइस सभी के लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में होंगे, तो आपको कहीं जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल होंगे, आप उसमें से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आई हैव दिस मेकअप रिवोल्यूशन का रीलोडेड आई शेडो पैलेट एंड दिस इज अ बेस्ट पैलेट। अगर आप बिगनर हो, ब्राउन्स न्यूड में जाना है, देन डेफिनेटली आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, प्रोफेशनल्स में भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपने कम प्राइस का आई शेडो पैलेट परचेज कर लिया तो आप एज ए प्रोफेशनल यूज नहीं कर पाओगे, नहीं, प्रोडक्ट
कोई सा भी हो यूज करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आई हैव दिस वन मिलानी का ग्लाइडेड टेरा, इसके अंदर ब्राइट कलर्स हैं सारे, एज यू कैन सी सारे संगीत कलर्स हैं, संगीत के लिए रेडी हो रहे हैं, कॉकटेल के लिए रेडी हो रहे हैं। इसमें कुछ ही न्यूड शेड्स हैं, बाकी सारे बहुत ब्राइट गोल्डन्स, ग्रीन्स, पर्पल्स, शैम्पियंस, बहुत प्यारे शेड्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एंड गाइज, आप है ना एक दो आई शेडो पैलेट से भी स्टार्ट करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे करके बिल्डअप करो, क्योंकि ये सब भी मैंने एक साथ नहीं परचेज करे हैं। फिर उसके बाद में है दिस वन इज ह्यूडा ब्यूटी का मीडियम न्यूड ऑब्सेशन पैलेट, ये तो सबको पता ही होगा। एंड दिस वन इज वेरी नाइस, फेयर टू मीडियम स्किन पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। इसमें भी कुछ शिमर्स मिलेंगे, ठीक है, एंड बहुत लाइट एंड मीडियम काइंड ऑफ शेड्स आपको मिल जाएंगे, बहुत परफेक्टली तरीके से पीची शेड्स हैं इसमें। अगेन आई हैव दिस निका के का, ये मैंने कभी यूज नहीं करा आज तक, लिटरली मुझे तो समझ में नहीं आता मैंने वैनिटी में क्यों रखा है इसको, बट इसमें मैंने एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ रखा है इस शेड की वजह से, ठीक है। एंड आई रियली लाइक दीज टू शेड्स, बहुत प्रिटी शेड्स हैं ये दोनों के दोनों, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से पिगमेंटेड शेड्स हैं ये दोनों, तो सिर्फ इन दो शेड्स की वजह से मैंने इसको रख रखा है, ठीक। फिर उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट दिस ब्लश पैलेट। अब भाई ब्लश पैलेट मेरा उस बैग में नहीं आता है, जो मेरा ये वाला पाउच मैंने आपको दिखाया था इसमें नहीं आता है, तो आई हैव टू कीप इट हियर। दिस इज आई मैजिक का टच ब्लश पैलेट, एंड यू कैन सी गाइज दिस इज अ परफेक्ट ब्यूटिफुल, कम्स विद अ सिक्स ब्लश शेड्स, लाइट टू डार्क, फेयर टू डीपर स्किन टोन, बहुत अच्छे तरीके से कूलर टोन्स, वार्म टोन्स, डीपर टोन्स, तो यू कैन सी बहुत अच्छे तरीके से इसमें आपको यहाँ पे ब्लशेज मिल जाते हैं। तो आपको सिंगल सिंगल पॉट्स नहीं लेने हैं, देन डेफिनेटली आप एक फेस पैलेट पे कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में है मेरे पास में ये दो ग्लिटर पैलेट्स, ठीक है, पिगमेंट प्ले के ही ग्लिटर पैलेट हैं, एंड दीज आर वेरी नाइस। नाउ यू कैन सी बहुत ही अच्छे तरीके से ये ग्लिटर शेड वर्क करते हैं, ठीक है। ये सब के सब यूज़ आते हैं जितने भी कॉकटेल पार्टीज होती हैं उसमें यूज़ करने के लिए, पिंक्स, ब्लूज, पर्पल्स, सी ग्रीन कलर, गोल्डन एंड सिल्वर कलर, तो ये सब के सब, ये देखो ये बहुत प्रिटी सा लाइक स्पाइस शेड है। ये नेक्स्ट कुछ इस तरीके के लूज ग्लिटर्स, ये ब्राइडल्स में ही काम आते हैं, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका मेन पर्पस क्या होना चाहिए इनको परचेज करते वक्त, कि बहुत ज़्यादा फाइन होने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ऐसे मोटे मोटे ग्लिटर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये स्विस ब्यूटी का है, एज यू कैन सी दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल ना, तो मैं चाहूँ तो बहुत महंगा भी ले सकती थी, बट मैंने इस पर फोकस करा, जो इसकी फाइननेस है ना, जो ग्लिटर की जो फाइननेस है वो आपको फोकस रखनी है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाई एंड लो, है ना, अफोर्डेबल प्राइस में लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, तरीके से वर्क करते हैं। ये मेरा काफी पुराना ग्लिटर है, ठीक है, एंड ये सिल्वर शेड के अंदर है, एंड ये भी बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं मेरे पास में यहाँ पे कुछ राइनस्टोन मेरे को रखने होते हैं, अगर किसी संगीत ब्राइट पे या फिर थोड़ा सा क्रिएटिव लुक है, तो कुछ इस तरीके के सिल्वर कलरफुल, है ना, एनी कुछ इस तरीके के राइनस्टोन, इनका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, अमेजोन पे ये आराम से आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में आता है ये वाला पार्ट, एज यू कैन सी यहाँ पर आपको मिलेंगे मोस्टली काजल, ठीक है, ये वाला पाउच मैं काजल सेक्शन के लिए ही रखती हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट जिसमें आपको सारे के सारे काजल के शेड्स मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है, इसमें ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ब्लूज, ब्रॉन्जी, वाइट सारे शेड्स हैं, और सबसे ज़्यादा आई यूज दिस, ठीक है, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, जिस ये है शैम्बोर का एक्सट्रीम वियर लास्टिंग काजल, ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है, क्योंकि के ब्यूटी का है ना समवेयर आई फील ये बहुत क्विकली ड्राइज आउट होता है, एंड ना बहुत अच्छे तरीके से स्मज नहीं होता है, ठीक है। फेसिस कनेरा का भी काफ़ी अच्छा है, दिस वन इज कीरो हाई डेफिनेशन सूदिंग ब्राउन आईलाइनर, ठीक है, एंड ये शुगर का है, दिस वन इज वेरी नाइस शेड, ये वाला शेड है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रीन, के ब्यूटी का ये ग्रीन शेड, नायका का ये ब्रॉन्जी काइंड ऑफ ब्राउन शेड, वाइट आईलाइनर, ठीक है, वाइट आईलाइनर आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, दैट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू, ये मैं यूज कर रही हूँ H&H करके कोई ये ब्रांड है, बहुत रेयरली यूज होता है, एंड दिस वन इज ब्राउन शेड, ब्लू शेड के ब्यूटी का, और ये है विंका का, ये भी मैं यूज करती हूँ। फिर उसके बाद में आ जाते हैं आईलाइनर्स, ठीक है, ये वाला तो राइनस्टोन एप्लीकेशन के लिए आता है, राइनस्टोन लगाते वक्त ही उसके साथ में आता है, ये है प्रोश का आईलाइनर, गाइज इन्वेस्ट इन दिस, लिटरली आई एम सेइंग, इफ आई एम सेइंग इन्वेस्ट इन दिस देन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस, ये सबसे बेस्ट आईलाइनर है, मैंने कितने आईलाइनर यूज कर लिए लिटरली, बट प्रोश का ये आईलाइनर इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। फिर उसके बाद में ये है कुछ तीन आईलाइनर जिनको मैं बहुत कम यूज करती हूँ, बिकॉज पहली बात तो ये स्टे नहीं करते हैं,
लिटरली ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ, बट बहुत कम टाइम के लिए यूज करना हो ना तब मैं इनको यूज कर लेती हूँ, ठीक है। दिस इज कलाबाल ऑलमेट आई लाइनर, दिस इज फेसिस कनाडा का अल्टीमेट। पता नहीं मैंने कुछ मेकअप आर्टिस्ट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ही मैंने ये परचेज कर लिए थे, बट मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ में अच्छा नहीं रहा। सो आई एम टेलिंग यू, अगर आप सोच रहे हो इनको लेने का देन डेफिनेटली आप बेटर है प्रॉश के आई लाइनर में आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। एंड दिस इज शुगर, ये बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। दिस इज वेरी नाइस, वेरी लॉन्ग लास्टिंग आई लाइनर। ये है ग्राफिक जैम, ग्राफिक जैम ब्लैकेस्ट ब्लैक आईलाइनर है और ये इतना लंबा चलेगा ना, आप इसको कितना ही हटाने का कोशिश कर लो, दिस वर्क्स वेरी नाइस। बट प्रॉब्लम इसमें बस एक ये है कि बहुत क्विकली ड्राई हो जाता है, ये बहुत क्विकली ड्राई होता है, तो आपको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी एप्लीकेशन करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में है कुछ आई शेडो स्टिक्स, जैसे के ब्यूटी का ये इंडल शेड के अंदर ब्राउन शेड है, बहुत अच्छा शेड है, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद में आई हैव दिस कीरो की लॉन्ग वेयर ब्राइटनिंग, अगर बहुत जल्दी किसी को मेकअप चाहिए होता है ना, कोई मुझे बोलता है कि मुझे आई मेकअप पे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस हल्का सा टचअप दे दो, तो आई यूज दिस। नेक्स्ट यहाँ पे है मेरे पास में, दिस इज अ आईलैश किट, ठीक है। ये आपको बना के रखना है, मैं लिटरली बता रही हूँ, ये फ्रीलांसिंग में इतना अच्छे तरीके से वर्क करता है, वेरी नाइसली, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ, इस तरीके के पाउच में आप रख सकते हो, ठीक है, जिसमें सबसे पहले रहेगा यहाँ पे लेंसेज, ठीक है। मेरे पास में भी ग्रे बचा है, मेरे को रीस्टॉक करना है हेजल कलर और ग्रीन कलर, ठीक है, दो कलर मुझे रीस्टॉक करने हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ये लेंस सॉल्यूशन आपके पास में होना ही होना चाहिए। फिर उसके बाद में है मेरे पास में ये बॉक्स, अगर आप पे इस बॉक्स में देखते हो बहुत कॉम्पैक्ट सा बॉक्स है, बट आप इसमें देखना कितनी सारी चीजें अवेलेबल हैं। पहली बात तो है ये ट्वीजर, ठीक है, दिस इज अ वेगा की ट्वीजर, बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। ये है आईलैश एप्लीकेटर, पैक का आईलैश एप्लीकेटर है, सबके लिंक नीचे होंगे। दिस इज अ सीजर, छोटी सीजर आपको चाहिए होती है, कुछ इस तरीके की प्रिसाइज सीजर आपको चाहिए होती है, किसी भी स्टोर पे आपको मिल जाएगी आराम से, यू कैन बाय आईलैशेस को बाहर की साइड से कट करने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, एज यू कैन सी गाइज, ये है मेरे पास में कुछ आईलैश ग्लू, ये ऑलमोस्ट ड्राई हो गया बट समवेयर वर्क करता है। ये है पैक का लैश फिक्सर आईलैश एडहेसिव, ये बहुत अच्छा लैश फिक्सर है, आपको किसी और में नहीं, मतलब आपको ऐसे भी मिलेंगे, इफ यू विल सी आपको ऐसे भी मिलेंगे, ये भी अच्छे काम करते हैं नो डाउट, बट समवेयर ये हर टाइम अच्छे काम नहीं करते, तो ये मैं प्रिफर करती हूँ यूज करना ज्यादातर, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं कुछ आईलैशेस, तो मैं क्या करती हूँ आईलैशेस को मैं स्टॉक में परचेज करती हूँ, जैसे कि मेरे पास में ब्राइडल्स में जो स्टॉक्स में अवेलेबल है, ब्राइडल में जो मेरे पास आईलैशेस अवेलेबल है, दिस इज यूरो पेरिस की प्रो 5, ठीक है, इनको मैं ऐसे कट करके रख लेती हूँ। सारे बॉक्सेस रखोगे ना बहुत ज़्यादा स्पेस आपके घिरने वाला है, इफ यू कैन सी, ये भी देखो कुछ बड़े साइज का मेरे पास ये आईलैशेस आया था, आज तक मेरे पास ये यूज़ नहीं हुआ है, बिकॉज ये काफ़ी बड़े साइज का और इतने ड्रामेटिक मेरे को जरूरत नहीं पड़ती है, बट डिपेंड हो सकता है आपके पास में कुछ ऐसा क्लाइंट आ जाए जिनके आईलिड स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, जैसे ये है, ठीक है, आईलिड स्पेस बहुत ज़्यादा है तो ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आगे, फिर उसके बाद में मैंने कुछ यहाँ पे परचेस करा था फ्रॉम अ एमिलेशन, ठीक है, एमिलेशियस का लग्जरी मिंक एंड फॉक्स लैशेस, तो मैंने इनसे ना कुछ लैशेस मंगाई थी जिसमें 30 की क्वांटिटी में लैशेस थी, ठीक है। तो ये क्या है, वेरी नेचुरल, देख रहे हो यहाँ पे कोई बैंड नहीं है, पहली बात तो ये नॉन बैंड है एंड दीज आर वेरी नेचुरल, तो मैंने इनको इस तरीके से कट कर लिया, इफ यू कैन सी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नेचुरल लैशेस हैं एंड ये लिटरली क्लाइंट पे लगाने के बाद में पता भी नहीं चलता, ये देखो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ है, मेरे को जिसकी नीड पड़ेगी ना मैं वो अप्लाई कर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको रखना ही रखना होता है एंड डेफिनेटली गाइज इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ आईलैश किट्स, ठीक है, इस तरीके से अपना आईलैश किट बिल्ड करो क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपके ऑर्गेनाइज रहता है, आपको तुरंत रेडी करके रखना है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि बॉक्सेस में दिखाओगे फिर निकालोगे, तुरंत इसके अंदर अपने आईलैशेस रेडी करके रखो क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता होता कि उनके ऊपर कैसी आईलैशेस अच्छी लगेगी, बस उनसे पूछ लो कि मैम लाइट चाहिए या हैवी चाहिए, आपको वो जो बोले उस अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट अपने पास में आ गया ये लिपस्टिक पाउच एंड गाइज इन्वेस्ट इन दिस, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर आपको ये लिपस्टिक पाउच मिल जाएगा, इसमें आपकी हर तरीके के लिपस्टिक्स, आप ऐसे वैनिटी बॉक्सेस में रखोगे ना बहुत स्पेस घिरने वाली है, लिटरली बता रही हूँ, ऐसा एक अलग सा पाउच बना लो जिसके अंदर सारी लिपस्टिक आ जाए, चाहे फिर आपके न्यूड शेड्स हों, ठीक है, इनमें भी मैंने कुछ लिपस्टिक के लिंक मैंने प्रोवाइड करे हैं, सारे लिपस्टिक के लिंक नहीं मिलेंगे, कुछ के आपको मिल जाएंगे, जैसे ये मेबेलिन की लिपस्टिक्स, शैम्बोर, ठीक है,
ये वाइनल इंक, ठीक है, दिस इज वेरी नाइस वन. मेरे को ये मैं कब यूज करती हूँ पता है आपको, कोई मुझे ब्राइड अगर बोले कि मैम मुझे ग्लॉस फिनिश चाहिए, ठीक है, मेरी लिपस्टिक में, और मैं नथ भी पहनूंगी, ठीक है, तो अब अगर आपने ये ग्लॉस अप्लाई कर ली, अगर आपने ये ग्लॉस अप्लाई कर ली और उसके बाद में उनको नथ पहना दिया ना, उनकी नथ इतनी ज्यादा स्मच कर देगी ना उनकी लिपस्टिक को, वो बोलेंगी, पियेंगी, खाएंगी, कुछ भी करेंगी ना, तो आप ये यूज करो, ठीक है. ये क्या है, ग्लॉस फिनिश भी देगा, प्लस नथ आप पहनाने के बाद में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आराम से उनकी लिपस्टिक भी स्मच नहीं करेगी, ठीक है. फिर उसके बाद में आई हैव दिस के ब्यूटी का वेरी नाइस शेड, दिस इज अ हैप्पीली एवर आफ्टर, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल बोल्ड पिंक कलर, ठीक है, दिस इज वेरी ब्यूटिफुल बोल्ड पिंक कलर. फेसेस कैनाडा के कुछ शेड्स मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल है, एज यू कैन सी, सबको मिक्स एंड मैच करके मैं यूज कर सकती हूँ. प्रॉश के ये न्यूड कलर, दो कलर है मेरे पास में, ये दो शेड्स हैं, ये बहुत अच्छे, ड्रामा मामा एंड ग्लो गेटर, दीज टू शेड्स आर वेरी नाइस, वेरी पिगमेंटेड, एंड आई हैव दीज टू फ्रॉम प्रॉश ब्यूटी अगेन, ठीक है, वन इज हाइटी एंड सेकेंड इज कैरेमल ब्रंच, ठीक है, ये दो शेड्स मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल हैं एंड ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है. एंड दिस क्लियर ग्लॉस, कोई क्लियर ग्लॉस मत लो, ये ले लो बस, दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस. इसमें थोड़ा सा शीन है, थोड़ा सा ग्लिटर है, ग्लिटर नहीं चाहिए तो यूरोप गर्ल का ये क्लियर ग्लॉस ले लो. ग्लिटर नहीं चाहिए, किसी क्लाइंट को वो बोल रहा है कि सिर्फ मुझे ग्लॉस इफेक्ट चाहिए, ग्लिटर नहीं चाहिए, तो यूरोप गर्ल का ये कॉस्मेटिक बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है. दिस इज कम्प्लीटली क्लियर, कोई ग्लिटर, कोई शीन इफेक्ट नहीं है इसके अंदर. ओके गाइज, सो ये था कम्प्लीटली मेरा मेकअप किट, ये था फ्रीलांस मेकअप किट. आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है. अब आपको ये वीडियो देखने के बाद कम्प्लीटली आइडिया लग गया होगा कि मैं कैसे ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, तो आप भी ऐसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो. एंड मैंने आपको शुरुआत में बोल दिया था कि मेकअप आर्टिस्ट रिजल्ट में वेल ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है, मतलब बहुत जरूरी है. एंड इसी के साथ साथ में बस ये किट्स हैं, ये पाउचेस हैं जो कि मुझे सीधे ट्रॉली में रखने होते हैं, ठीक है, जब भी मैं क्लाइंट पे वेन्यू पे जा रही हूँ या फिर उनके घर पे या फिर किसी भी वेन्यू लोकेशन पे ट्रैवल पे जा रही हूँ, तो मुझे इन पाउचेस को सिंपली ट्रॉली पे रखना होता है विथ माई ट्राइपॉड स्टैंड्स एंड देन गुड टू गो, ठीक है. और जब भी कुछ स्टूडियो में रेडी करना होता है तब मैं अपना वर्क स्टेशन अलग तरीके से क्रिएट करती हूँ, ये बस अपने जो जो नीड पड़ती है उनको मैं अरेंज कर देती हूँ. सो यस, वर्क स्टेशन कैसे बनाते हैं काम करने से पहले ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, तो वो भी आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हो. अगर आपको ये भी जानना है कि वर्क स्टेशन कैसे क्रिएट करते हैं, डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो एज वेल, ठीक है. एंड गाइस, कोई भी डाउट है वीडियो से रिलेटेड कि मैम आपने ऐसे क्यों रखा, ये ऐसे होगा तो कैसे चलेगा, तो फिर आप मुझसे यहाँ पे कमेंट में पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल आंसर दिस. होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो, काफी ज्यादा अच्छी रही हो आपके लिए. एंड आपको इससे, मेरा मेन पर्पज इस वीडियो को बनाने का था कि अगर आप भी अपना फ्रीलांस मेकअप किट बिल्ड कर रहे हैं ना, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो. एंड गाइज, होपफुली आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही हो तो थम्स अप दे देना, ठीक है. कमेंट में कोई भी डाउट है लेना, आराम से भेजिए, मैं डेफिनेटली आंसर दूंगी, ठीक है. एंड ये सब आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. ओके गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.